दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। धान खरीदी में भारी घोटाला, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया 50,000 क्विंटल धान हुआ गायब। सालेकसा तहसील अंतर्गत सहकारी राइस मिल द्वारा सालेकसा व कोट जम्बूरा इन दो स्थानों पर धान खरीदी केंद्र के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। इसमें सालेकसा केंद्र पर 53,34,920 क्विंटल व कोट जम्बूरा केंद्र पर 9,76,160 क्विंटल धान का स्टॉक शेष बताया गया है। सालेकसा केंद्र में कुल 83,89,940 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिसमें 20,50,520 क्विंटल धान के डीओ दिए गए हैं। इस तरह 53,39,420 क्विंटल धान का स्टॉक है। इसी तरह कोट जम्बूरा सेंटर में 66,68,440 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जहां 53,92,250 क्विंटल धान के डीओ दिए गए हैं, जिससे वर्तमान में 9,76,160 क्विंटल धान का स्टॉक शेष है। इन दिनों धान खरीदी केंद्रों पर संस्था संचालक, राइस मिल मालिकों व जिला मार्केटिंग अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता हाजी अल्ताफ शेख व मनोज अग्रवाल ने लगाया है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर धान खरीदी केंद्रों की जांच की है, जिसमें सालेकसा केंद्र में 10,000 कट्टे यानी 4,000 क्विंटल भी धान नहीं है। वही कोट जम्बूरा के दो गोदामों में 12,000 कट्टे यानी 5,000 क्विंटल धान गायब है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए है। इन धान खरीदी केंद्रों पर किसानों व व्यापारी दोनों से प्रति कट्टा 15 रुपए धान तोलने का कमीशन लिया गया है। इतना ही नहीं, बारदाना भी वापस नहीं लौटाया। प्रति 40 किलो कट्टे की जगह 41.50 किलो धान लिया गया। इस तरह कुल 1,12,00,000 रुपए की हेरा फेरी की गई है। इस प्रकरण की शिकायत पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। इसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सवाई के नेतृत्व में 5 वाहनों पर 6 तहसीलदारों ने जांच पड़ताल कर 10 गोदामों को सील कर दिया है। इस जांच में स्पष्ट हो गया है कि गोदामों में पर्याप्त माल नहीं है। इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 6 मुद्दों पर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। इस प्रकरण की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।